गोरखपुर महाराजगंज जिला सहकारी बैंक को सभापति और उपसभापति का चुनाव 11 को हुआ। इस चुनाव में गोरखपुर न्यूज की खबर पर लगी मोहर लगी, जब सभापति के रूप में विजय प्रताप सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गए। चुनाव में मुख्य रूप से 13 लोग निर्वाचित हुए हैं, जिसमें सभापति के रूप में विजय प्रताप सिंह और उपसभापति के रूप में कौशल किशोर सिंह चुने गए। इफ्को के लिए डेलीगेट कौशल किशोर सिंह, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के लिए कर्मशः जितेंद्र बहादुर सिंह और तरुण प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के लिए समीर त्रिपाठी, श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लखनऊ के लिए श्रीमती सुनीता, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के लिए रंजीत सिंह, सेंटर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के लिए राधेश्याम चौधरी, सहकारी सूती मिल बुलंदशहर के लिए भुवन प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लखनऊ PCU के लिए प्रभाकर द्विवेदी डेलीगेट चुने गए। सभापति और उपसभापति सहित अन्य पदाधिकारियों का माल्यार्पण का स्वागत किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर महाराजगंज जिला सहकारी बैंक के नवनिर्वाचित सभापति विजय प्रताप सिंह ने कहा, क्या प्राथमिकताएँ होंगी बैंक? एक तो बैंक की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए हम लोग ऐसा कोई सब मिलकर के बोर्ड के लोग और बैंक के कर्मचारी अधिकारी मिलकर के प्रयास करेंगे कि पूरा बैंक पहले की स्थिति में मजबूत स्थिति में आ जाए। जी, क्योंकि ये बैंक किसान और गरीब मजदूरों के हित के लिए विशेष काम करता है, और हम लोग चाहेंगे जब बैंक मजबूत होगा तो ये किसान और मजदूर की और गरीब तबके के लोगों की मदद हो पाएगी। तो हम इसके लिए हर तरह से और पार्टी के लोगों के नेताओं तथा महाराज जी से भी मिलेंगे इसके लिए, और सबसे इस बात को वक्त किसी से अवगत कराएंगे।